पॉसिबिलिटीज विद सुजोक। हेलो माय हैप्पी सोल्स। तो गणपति जी मेरे साथ हैं और हम सब पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो में वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट लेकर आऊँगी, और वो भी वन स्टेप ट्रीटमेंट लेकर आऊँगी, तो मैं आज अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। ये वीडियो उसी के बारे में है। लास्ट टाइम फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बताया था कैसे मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे को भी वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस हो गए थे क्योंकि मैंने बाहर का खाना खा लिया था कुछ दिन तक। तो मैंने कैसे रात को ये ट्रीटमेंट करा और कैसे क्विकली मुझे इससे आराम मिला। वन स्टेप ट्रीटमेंट करते ही मुझे वॉमिटिंग्स में आराम मिल गया था, और उसके बाद एक भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी। तो अगर आपको लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स दोनों हैं, तो लूज मोशन के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और इन दोनों ट्रीटमेंट्स को एक ही हाथ पर कंबाइन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वॉमिटिंग यूजुअली इनडाइजेशन की वजह से होती है। कुछ हम ऐसा खा लेते हैं जो कि हमें नहीं सूट करता है, या फिर कुछ चीज़ से हम पहले से ही, हमें किसी चीज़ की एलर्जी है, कोई चीज़ हमें नहीं सूट करती और वो अननोइंगली हमारे अंदर चली जाती है किसी भी इंग्रेडिएंट के फॉर्म में, तो फिर हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं और साथ में पेट में भी दर्द होने लगता है। तो ये जो वन स्टेप ट्रीटमेंट है, इससे ना ही आपको वॉमिटिंग्स में आराम मिलेगा, वॉमिटिंग्स तो इमिजिएटली रुक ही जाएंगी, साथ के साथ आपको पेट के दर्द में भी बहुत आराम मिलेगा, वो भी पेट का दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट जिसकी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसी जनरल मेडिसिन है जिनके बारे में हम सब जानते हैं, और हम जानते हैं बुखार के समय क्या लेना है या कोई और प्रॉब्लम आए तो क्या लेना है। तो ऐसे ही ये कुछ ऐसे सुजोग के ट्रीटमेंट टिप्स हैं, कुछ फर्स्ट एड्स हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे उन्हें पहले से पता रहे कि ये सिचुएशन अगर कहीं भी आए उनके साथ, तो वे इस ट्रीटमेंट को इमिजिएटली फॉलो कर सकें। क्योंकि वॉमिटिंग के साथ भी ऐसा ही है, हम कहीं बाहर गए हुए हैं और कुछ दिन हम बाहर स्टे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाहर का ही खाएंगे, और कुछ अगर हमें हिट कर गया, कुछ हमें इनडाइजेस्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? उस टाइम पे डॉक्टर का ढूंढना या फिर किसी मेडिसिन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप इस ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, आधी रात को ये सब शुरू हुआ, तो मुझे पता थी ये ट्रिक क्योंकि मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने इमिजिएटली अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। तो आप भी इसे कर सकते हैं, और साथ के साथ ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी के सॉल्ट्स निकल जाते हैं उससे, तो वीकनेस हो जाती है, और अगर इन्फेक्शन है तो फीवर भी आता है। तो उसके लिए क्या करना है, उन दोनों वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल टिप्स और फर्स्ट एड वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो आइए, चलिए इस वन स्टेप ट्रीटमेंट को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें हाथ की बैक साइड लेनी है और मिडल फिंगर को चूज करना है। मिडल फिंगर की दो वर्टिकल लाइन्स, अगर आप ध्यान से देखें, नेल की एक वर्टिकल लाइन ये है जो कि रिंग फिंगर को फेस करती है, और नेल की एक वर्टिकल लाइन ये है जो कि इंडेक्स फिंगर को फेस करती है। तो हमें चूज करनी है नेल की इस तरफ की वर्टिकल लाइन जो कि इंडेक्स फिंगर को फेस करती है, और यहाँ हम इस लाइन के ऊपर एक कलर से मार्किंग करेंगे। जो भी कलर से मैं आपको मार्किंग बताऊंगी, उसकी डायरेक्शन हम नेल के इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। वापस हमें नहीं जाना है, नेल के कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने ये अपने हाथ पे मार्किंग कर ली है कलर की, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। पास से मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने नेल के इस कॉर्नर से कलर को स्टार्ट करा है, ग्रीन कलर लिया है, डार्क ग्रीन कलर, और इस कॉर्नर से स्टार्ट करके इस लाइन को मैं नीचे तक लेकर आई हूँ। इस कॉर्नर से स्टार्ट किया है और नीचे तक लेकर आई हूँ, वापस नहीं आना है। इस कलर को आपको लगाना है वॉमिटिंग और पेट दर्द के लिए, और ये कलर आपको अपने हाथ पर 2 घंटे के लिए रखना है। 2 घंटे के बाद इस कलर को आपको वॉश कर देना है। अभी आपने ये क्विक ट्रीटमेंट देखा, बस इतना सा ही ट्रीटमेंट है और इसके ग्रेट रिजल्ट्स हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स हैं। तो इसको करिए, और साथ के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। नींबू पानी और नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि बॉडी के सॉल्ट्स वापस आने बॉडी में बहुत ज़रूरी हैं, और खाने को लाइट रखिए। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए ट्रीटमेंट वीडियो के साथ।
So do like, share and subscribe and also press the bell icon. And you can follow me on Instagram @sujok_therapist_preeti.